गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल अपन ने क्या पढ़ा था? इससे पहले वाले पार्ट अपने पास क्या आगे जेड और वाई के पैरामीटर आगे। अब लास्ट वाला पार्ट अपने पास क्या है? एच पैरामीटर, एच हाइट, एच हाइट, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? एच सेंटर, ठीक है ना? एच हाइट क्या होता है? इस वाले पार्ट में अपन क्या करते हैं? I और V2, जो I अपने पास क्या भी था, यानी कि ये वाला पार्ट था अपने पास, ये वाले दो पार्ट थे इनपुट वन वन, और लास्ट वाले दो पार्ट क्या थे? आउटपुट टू टू। ये वोल्टेज V2 और इसकी वोल्टेज कितनी थी? V1, I1 जो निर्गत वोल्टेज V2, इस वाले में पार्ट को तुम क्या मानते हैं? परिमाण। तो अपने पास क्या बचे? V1 में I2 बचे, ठीक है ना? तो V1 में I2 क्या रहेंगे? I, I1 में V2 दोनों पर क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि जो इसका फंक्शन आएगा वो किन पे आएगा? I1 में V2 पे आएगा। V1 का फंक्शन क्या रहेगा? फंक्शन I1 V2 के रूप में इसका फंक्शन रहेगा, ठीक है? और नेक्स्ट I2 क्या है? I2 का फंक्शन भी क्या बन जाएगा? I1 V2, ठीक है? कब? जब I1 व V2 को क्या कर लिया अपने? फरी कर लिया। I1 व V2 को अपने क्या कर लिया? फरी कर लिया। तो जब क्या है? V1 बराबर क्या है? I1 V2, और I2 बराबर क्या है? I1 V2, ठीक है ना? ये वाले पार्ट अपने पास पहुंच गए। अब देखिए क्या करते हैं। अब इसका प्रायोरिटी डिफरेंशियल क्या है? वेक्टर डिफरेंशियल यानी आंशिक अवकलन क्या है इस वाले पार्ट का? आंशिक अवकलन देखिए, इस वाले पार्ट का आंशिक अवकलन क्या है? गणितीय रूप से देखिए, डी वी वन बराबर क्या लिख सकते? डे वी वन अपॉन डे आई वन डी आई वन प्लस डे V1 upon D V2 into D V2, ठीक है? इसी प्रकार D I2 बराबर अपन क्या लिख सकते हैं? इस वाले पार्ट से देखिए, I1 है V2 पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना? तो क्या चल रहा है? D I2 बराबर क्या है? D I1 D I1, ठीक है? प्लस V2 को डिपेंड करेगा कितना आएगा? D I2 बराबर कितना है? D V2 into D V2, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? ये वाले पार्ट आ गए अपने पास, ठीक है? D V1 और D I2, ठीक है? इन वाले पार्ट को क्या बात क्या कहते हैं? यानी कि इन पर क्या करेंगे? अपने गणितीय फंक्शन करेंगे, जिसमें क्या है? I1 व V2 क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। इन्हीं के आधार पर समीकरण तीन में चार को क्या लिख सकते हैं? देखिए समीकरण तीन को क्या लिख सकते हैं? V1 बराबर इस पूरे V1 अपॉन I1, ठीक है? इसको अपन ने क्या मान लिया? H पैरामीटर मान लिया, ठीक है ना? कितना आएगा? स्टार्टिंग वाला फर्स्ट है एच आई के रूप में रिजल्ट आएगा, एच आई, ठीक है? साथ में क्या है? आई वन प्लस एच आर, ठीक है? इंटू क्या है? वी टू, ठीक है? इक्वेशन नंबर 5। और इसी प्रकार आई टू का मान कितना आया? एच एफ आई वन प्लस एच नोट वी, इक्वेशन नंबर 6 आ गया, ठीक है? इस बार जो वी वन था किस पर डिपेंड कर रहा था? I1 में V2
वी टू पर डिपेंड कर रहा था क्योंकि हमने आइडल वेयर वी टू को क्या कर दिया था, फनी कर दिया था, ठीक है ना। ये क्या है, ये स्वतंत्र राशि है, इनको अपने मान लिया कि क्या हो जाएगा वी वन, इसका फंक्शन हो जाएगा और आई टू भी क्या हो जाएगा, आइडल वेयर वी टू का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसका आंशिक अवकलन को अपने पास क्या आगे समीकरण के लिए चार के रूप में आ गया, और इस वाले इक्वेशन को लिख क्या सकते हैं वी इक्वेशन नंबर फाइव और इक्वेशन नंबर सिक्स के रूप में, इस प्रकार को इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस वाले प्रश्न में एच आई का मान हमको क्या लिख सकते हैं, ठीक है। एच आई का मान वी वन अपॉन आई वन के रूप में प्राप्त होगा, वी वन अपॉन आई वन के रूप में क्या आएगा, एच आई का मान आएगा वी अपॉन आई वन। ये मान कब प्राप्त होते हैं, जब आउटपुट वाला पार्ट क्या हो ओपन, जब आउटपुट वाला पार्ट क्या हो अपने पास ओपन हो, यानी कि वी टू का मान क्या आता है शून्य, ठीक है ना। तब अपने पास तो किसका मान आएगा, एच आई वन का मान आता है, ठीक है ना। और इस वाले मान को अपने क्या कर दिया, एच वन वन मान, ठीक है। एच आई वन वी वन अपॉन आई वन, ठीक है। कब था, जब ये आउटपुट वाला पार्ट अपने पास क्या रहेगा शून्य रहेगा, यानी कि ओपन रहेगा, निवेश पार्ट ऑफ सॉरी लिमिटेड पार्ट ऑफ ने क्या मान लिया, ओपन मान लिया, इसलिए हम पास ये मान लिया, ठीक है। और वन वन के आधार पर इसको कितना मान लिया, एच वन वन मान लिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर अपने पास कितनी आ गई, सेवन, ठीक है। इसी प्रकार एच रिवर्स का मान कितना आ जाएगा, एच रिवर्स वी वन अपॉन वी टू, वी वन अपॉन वी टू, ठीक है। वी वन अपॉन वन टू एच वन टू के रूप में इसको अपने मान लिया, ठीक है ना। तो इसमें आगे वाला पार्ट क्या आ जाएगा, ये कब प्राप्त हुआ, जब निवेशी वाला पार्ट क्या हो ओपन हो, ठीक है ना। जब अपने पास निवेशी वाला पार्ट ओपन हो तो अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा इक्वेशन नंबर एट के रूप में, ठीक है। वन टू के आधार पर इसको वन टू मान लिया, ठीक है ना। ये मान कब प्राप्त होता है, जब निवेशी वाला पार्ट अपने पास क्या हो ओपन हो, यानी कि आई वन का मान अपने पास क्या हो शून्य, ठीक है ना। इसके बाद में क्या आएगा, एच फॉरवर्ड, एच फॉरवर्ड का मान देखिए, एच फॉरवर्ड का मान यहां से प्राप्त होगा आई टू अपॉन आई वन, आई टू अपॉन आई वन, ठीक है ना। टू अपॉन वन के आधार पर इसे क्या मान लिया, टू वन मान लिया। और ये मान कब प्राप्त होता है, जब निर्गत वाला पार्ट क्या हो ओपन हो, निर्गत वाला पार्ट ओपन होगा तो सब क्या आएगा, यानी कि निर्गत वाला मान यानी कि वी टू का मान क्या मान लिया अपने, शून्य मान लिया, ठीक है। H F का मान आई टू अपॉन आई वन, एच कितना आ गया, एच टू वन आ गया, कब आया ये, जब वी टू का मान क्या हो अपने पास शून्य। इसके बाद में एच नोट का मान कितना आ जाएगा, एच नोट का मान, ठीक है ना। देखिए एच नोट का मान कितना आएगा, आई टू अपॉन वी टू, आई टू अपॉन वी टू के रूप में इसमें एच नोट का मान आएगा। एच नोट को क्या लिख सकते हैं, टू टू के आधार पर टू टू लिखा जा सकता है, ठीक है। और आगे वाले प्रोसेस में इसका मान कितना आएगा, एच। और ये मान कब प्राप्त होगा, जब निवेशी वाला पार्ट क्या हो शून्य के बराबर, ठीक है। ये वाला पार्ट एच पैरामीटर, एच पैरामीटर क्या होते हैं, जिसमें आई वन वे वी टू का मान क्या हो स्वतंत्र राशि के रूप में माना जाए, आई वन वे वी टू का मान क्या हो स्वतंत्र राशि के रूप में माना जाए, तब वी वन का मान क्या आएगा इस फंक्शन पर डिपेंड करेगा, और आई टू का मान भी इस फंक्शन पर मान करेगा। इसके बाद में इसका क्या करते हैं, पार्टिकल से डिफरेंशिएट यानी आंशिक अवकलन, समीकरण नंबर थर्ड और समीकरण नंबर फोर, समीकरण थर्ड नंबर फोर से क्या आएगा इक्वेशन नंबर फाइव और इक्वेशन नंबर सिक्स आ जाएंगे, ठीक है ना। और इसी के द्वारा क्या करेंगे, एच आई मान लिया, और एच आई का मान कितना आएगा, वी वन अपॉन आई वन के रूप में प्राप्त हो गया, और एच रिवर्स का मान कितना आएगा, एच वी वन अपॉन वी टू के रूप में, एच फॉरवर्ड कितना आएगा, आई टू अपॉन आई वन, और एच नोट कितना आएगा, आई टू अपॉन वी टू के रूप में ये मान। इसी प्रकार एच आई एच आर एच एफ और एच नोट के मान।
ठीक है, इन वाले इक्वेशन को कंपोनेंट लेंगे इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 में, ठीक है ना। देन रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट v1 बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, h i के स्थान पर h11 लिखा जा सकता है, ठीक है ना। साथ में क्या है, i1 प्लस वो लास्ट वाले क्या लिख सकते हैं, h12 v2 के रूप में इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आएगा, i2, i2 का मान कितना है, h21 प्लस h22 वो भी क्या आएगा, v2 आ गया, ठीक है ना। ये वाली इक्वेशन कौन सी होगी, इक्वेशन नंबर 11, ये वाली कौन सी होगी, इक्वेशन नंबर 12, ठीक है ना। इन वाले पावर को क्या कहते हैं, एक्स संकट क्या है, एक्स संकट या एक्स हाइब्रिड कहा जाता है, ठीक है ना। ये काम कब आएंगे, सर आई आई वन जनरेटर निवेशित आता वह निर्गत वोल्टेज उस तरह से माने जिसका पार्ट प्राप्त होगा, तो एच प्राचल का मान प्राप्त होगा, ठीक है।